आज हम एक कंपनी के एमडी से बात करने वाले हैं और वो कंपनी के दो ब्रांड्स हैं भारत में, वो कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और वो साथ ही साथ बहुत सारे ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी संभालते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से एक नया एपिसोड और मैं हूं संदीप और आज मेरे साथ हैं प्रदीप जैन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जैना ग्रुप के। हाय प्रदीप, वेलकम टू द शो। हेलो हेलो राजीव, हाउ आर यू? सो प्रदीप, सबसे पहले तो एक बार हम व्यूअर्स को बता दें कि जैना ग्रुप को तो सब जानते नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे लोग आपके दो ब्रांड्स को जानते होंगे, तो यहाँ पर हम ये बताते हैं कि दो ब्रांड्स हैं इनके जिनको आपने सुना भी होगा, फ़ोन भी यूज़ किए होंगे, कार्बन और जियोनी। जी हाँ, ये उन्हीं दो ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी है। तो आज जैना ग्रुप ने एक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है सैनसुई के साथ, तो सबसे पहले उस बारे में प्रदीप जी से जान लेते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले बताइए जो पार्टनरशिप है क्यों? देखिए, आज की डेट में इतना बहुत सारे ब्रांड मार्केट में हैं और यदि आज सैनसुई ब्रांड जो है एक हाउस होल्ड ब्रांड है लास्ट टू डिकेड से इन इंडिया मार्केट और वेल नोन ब्रांड है, वेल एक्सेप्टेबल ब्रांड है, तो आज पार्टनरशिप मेन ग्रुप का जो फोकस है आज की डेट में आइदर ब्रांड पे है और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। आज की डेट में ब्रांड क्रिएशन वी हैव डन फॉर कार्बन और जॉनी, बट सैनसुई क्यों सैनसुई? सैनसुई सिर्फ इसलिए कि सैनसुई आज की डेट में एक वेल एक्सेप्टेबल ब्रांड और नोन ब्रांड है इंडिया मार्केट के लिए। जैना ग्रुप सैनसुई के लिए क्या क्या करेगा? जैना ग्रुप ये जो एक एग्रीमेंट है ये 8+8+8 ईयर्स का एक एग्रीमेंट है, 24 साल के लिए जैना ग्रुप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आफ्टर दिस कॉरपोरेट टैक्स जो है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अभी, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कुछ एक्सपोर्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे इंडिया में, तो और मार्केट सर्विस हर चीज़ जो है वो जैना ग्रुप आज की डेट में करेगा। सैनसुई जो है वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो टेक्नोलॉजी सब चीज़ें का आप ध्यान रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो सैनसुई ने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट में, टीवी किया आपने, वॉशिंग मशीन किया है और आने वाले वक्त में आप एसी भी करेंगे और रेफ्रिजरेटर भी मार्केट में लॉन्च करेंगे, लेकिन टीवी का मार्केट देखें ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आपके टीवी उनसे डिफरेंट होंगे, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे? देखिए राजीव, आपको मालूम होगा कि जब हमने कार्बन लॉन्च किया था तब भी 200 ब्रांड थे आज की डेट में मार्केट के अंदर, और आज कंपनी का फोकस है कि आज की डेट में एक ऑनेस्ट प्राइसिंग के साथ एक न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट दिया जाए। सो ऑनेस्ट प्राइसिंग के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हैव यू नो फुल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एंड टेक्नोलॉजी के लिए आज की डेट में सैनसुई का R&D जो है पूरा का पूरा हमारे साथ है। तो व्हेन वी गिव ए गुड सॉल्यूशन टू कंज्यूमर, जहाँ पर उसके पास एक अच्छा प्राइस हो, एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो और जो है अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छा सर्विस नेटवर्क हो, तो आप स्टैंड आउट होते हैं कहीं से भी किसी भी तरीके से। यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है इस टाइम जो बाकी प्लेयर्स है मार्केट में, जैसे शॉमी है, थॉमसन है, कोडेक है, उनसे बेटर है और कंज्यूमर से कुछ वैल्यू एड मिलेगा? देखिए, ये तो कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि आज की डेट में क्वालिटी बेटर है और प्राइसिंग बेटर है, ये सब चीज़ है। बट मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में बाज़ार बहुत बड़ा हो गया है और बाज़ार में हर किसी के लिए जगह है। जो बेटर परफॉर्म करेगा और कस्टमर का आफ्टर सेल सर्विस टेक केयर करेगा और ये सब चीज़ें करेगा, उसके लिए अपने आप जगह बन जाएगी। कोई भी एक प्लेयर या एक ब्रांड के लिए ऐसा नहीं है कि वो ओवरऑल मार्केट को ले लेगा या किसी भी तरह, चाहे वो सैनसुई हो, चाहे वो शॉमी हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो LG हो, तो सबके लिए जगह है आज की डेट में। बट आज को आपको कंटिन्यूस जो है वो परफॉर्म करते रहना है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर इफ़ यू वांट टू हैव ए डबल डिजिट काइंड ऑफ अ मार्केट शेयर। अगर मैं यहाँ पर ये पूछूँ आपसे कि ऐसी दो चीज़ें कौन सी हैं जो आपको बाकी टीवी ब्रांड जिस टाइम इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है या अलग बनाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड, आज के डेट में सैनसुई इज़ ए वेल नोन ब्रांड। सेकेंड इज़ यू नो ए प्राइस कम्पिटिटिवनेस बिकॉज ऑफ आवर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एंड यू नो थर्ड बिकॉज यू नो वी हैव ए वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप इन ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड लार्ज फॉर्मेट रिटेल्स, तो वी थिंक दैट यू नो जैना ग्रुप इज स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स यू नो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब बात कर लेते हैं आपके दो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स कार्बन और जियोनी। कार्बन काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है शांत बैठा हुआ है, कोई नया फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा है, जो भी हो रहे हैं फीचर फ़ोन में हो रहे हैं, स्मार्टफोन में आप इतने शांत क्यों हैं? देखिए
कभी भी ऐसा होता है कि आपको ये लगना चाहिए कि कभी डस्ट होम आता है तो आपको उसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए. फीचर फ़ोन यस, कार्बन इज़ डूइंग वेरी गुड. 1+ मिलियन फ़ोन्स एवरी मंथ ऑन मंथ कर रहा है और 15 मिलियन फ़ोन करीब करीब इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर में करेगा. स्मार्टफोन में बिकॉज यू नो राइट नाउ टेक्नोलॉजी एंड एवरी थिंग यू नो एवरी ब्रांड हैज़, बट द प्राइस कंपटिशन व्हाट यू नो इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, आई थिंक इट्स आई कैन से इट्स नॉट एथिकल और इट्स अ प्रेडेटरी प्राइसिंग ऑल्सो. तो वी आर इन द मार्केट एज अ ब्रांड, कार्बन इज़ अ वेल एक्सेप्टेबल ब्रांड, बट वी विल सी अ राइट टाइम टू यू नो फाइट विद दिस. इधर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, आपने दो चीज़ों पर जिक्र किया है कि मार्केट में स्मार्टफोन में आप अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अनएथिकल बन चुका है और अंडर कटिंग काफ़ी हो रही है, डिफरेंट गेम चल रहे हैं. थोड़ा इस पर खुलासा करिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इंडियन ब्रांड्स के फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं और हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं जो कहते हैं यार माइक्रोमैक्स फ़ोन क्यों नहीं लॉन्च कर रहा जल्दी से, कार्बन क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी. ये देखिए, मैं कोई ब्रांड स्पेसिफिक इसमें बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज आप भी दिख रहे हैं कि मेरा कहने का ये है कि ये प्रेडेटरी प्राइसिंग यदि आज की डेट में कोई भी है तो इट इज़ नॉट गुड एंड वायबल फॉर एनी कंपनी. यू नो कार्बन, माइक्रोमैक्स, ऑल इंडियन ब्रांड्स आर देयर इन द मार्केट एंड वी विल वेरी सून लॉन्च आवर स्मार्टफोन्स ऑल्सो. बट यू नो either you can say ecosystem in China or you know to get market share you know soon, because we are in this market from last 12 years and we one point of time we were having 58% market share all put together you know Indian brands. So kisi ki bhi apni ek strategy ho sakti hai ki jaldi se market share lena hai to price kam karna hai ya ek predatory pricing pe maal bechna hai ya usko kuch bhi ho sakta hai uske liye. To main I am not the right person to comment on that, but har kisi ki apni apni ek policy hai. तो कब देख सकते हैं कंज्यूमर्स आपके नए स्मार्टफोन्स, और उस पर भी आप एंट्री लेवल पे फोकस करेंगे या आप मिड लेवल तक जाएंगे ताकि वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन मिले लोगों को? देखिए, एंट्री लेवल फ़ोन्स आज की डेट में मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स ही मेन फोकस करेंगे. आज की डेट में कोई भी कंपनी को फोकस इस टाइम पे जो है वो 6000 से और 10000 के बीच में एक बड़ा सेगमेंट हो गया है और बाइंग पावर भी इंडियन कंज्यूमर की बढ़ गई है. तो 10000 से और 20000 रुपए के फ़ोन भी आज की डेट में काफ़ी एक्सेप्टेबल हैं बाज़ार के अंदर. तो कार्बन का अपना फोकस है कि वो 6000 से 10000 के बीच में मेनली फोकस करेंगे फर्स्ट यू नो इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर. अब अगले आपके जो अगला ब्रांड है उसकी तरफ रुख करते हैं, वो है जियोनी. आपने थोड़े टाइम पहले जियोनी को एक्वायर किया था जैना ग्रुप ने. सबसे पहले तो बताइए कि उसको एक्वायर क्यों किया गया था? नहीं, मैंने जैसे कहा कि आज सैनसुई वैसे ही आज जियोनी है. जियोनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था इंडिया मार्केट के अंदर, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज कंपनी को यहाँ से ऑपरेशन बंद करना पड़ा. तब हमने इसको ब्रांड को एक्वायर किया था क्योंकि ब्रांड के पास एक 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 और था ब्रांड का अपने आप में, और आज भी है. बट जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, वैसे हमारे पास भी बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं कि हम कब इस ब्रांड को रीलॉन्च करेंगे, सब कुछ करेंगे. तो जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी मार्केट की मिटिगेट कर दी गई हैं और आप देखेंगे कि नवंबर में जो है वो दो नए फ़ोन लॉन्च होंगे विच विल बी आई थिंक क्रिएट अ नॉइस इन द मार्केट. राइट, अब जो मेरा अगला क्वेश्चन था आपने उसका आंसर दे ही दिया कि नवंबर में दो फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं. तो ये दो फ़ोन पहली बार लॉन्च होने वाले हैं या इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं फिर इंडिया में रीब्रांडेड होकर आएंगे? नहीं, पहली बार लॉन्च हो रहे हैं इंडिया मार्केट में, बिकॉज इंडिया मार्केट के लिए इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जियोनी ने दो फ़ोन बनाए हैं और वो दोनों फ़ोन जो है वो नवंबर में लॉन्च होंगे. इनका कुछ टीज़र बताइए, क्या क्या होगा, एक खास कोई इंटरेस्टिंग फीचर इन दो फ़ोनों का? कैमरा खास होगा. ट्रिपल कैमरा? हाँ, ट्रिपल कैमरा होगा. राइट, और आप मीडिया टेक के साथ जाएंगे या कॉलकॉम के साथ जाएंगे प्रोसेसर में इसके साथ? तो आज आप सब पूछ लेंगे तो फिर जो है वो लॉन्च कब कैसे करेंगे. तो आप देखेंगे कि ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा फ़ोन होगा. अब बात करें कि आपका जो जियोनी है, जियोनी ने अभी रिसेंटली स्मार्ट वॉच भी लॉन्च किया था, यानी कि आप एक्सेसरी सेगमेंट पे भी नज़र रखे हुए हैं. तो खाली स्मार्ट वॉच पे ही रुकने वाले हैं या आगे भी कुछ और एक्सेसरीज प्लान्ड है? नहीं नहीं, आप देखेंगे कि नेक्स्ट मतलब 15th of October तक जो है आप फ्लिपकार्ट पे ये सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जिसमें हेडसेट होगा, ईयरफोन्स होंगे, TWS होगा और पावर बैंक्स होंगे और म्यूज़िक पोर्टेबल स्पीकर्स होंगे,
बिकॉज़ ये मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आज की डेट में एक्सेसरीज़ का, और बिकॉज़ जोनी हैज़ ए गुड ब्रांड नेम एंड गुड ट्रस्ट इन द मार्केट, सो वी होप दैट यू नो जोनी यू विल सी ए गुड रेंज ऑफ एक्सेसरीज़ इन कमिंग मंथ्स। अब चलते थे एक फाइनल क्वेश्चन, लाइक हमने हिंदुस्तान में देखा है कि जैसे आप भी पहले बता रहे थे कि दो साल पहले का मार्केट शेयर देखते थे तो माइक्रोमैक्स कार्बन ने ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा था। डेफिनेटली उस टाइम में फीचर फोन का मार्केट ज़्यादा था, स्मार्टफोन्स आ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने कैप्चर करके रखा था। क्या हम आने वाले वक्त में कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन ब्रांड्स में एक रिवाइवल वेव आएगी और वही वो वैसे हैंडसेट्स लाएंगे जो बाकी ब्रांड्स ला रहे हैं और मार्केट में दोबारा अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे? देखिए, किसी के साथ भी, किसी भी ब्रांड के पास यदि आप 25-30 साल की पुरानी मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री देखें तो किसी के पास भी एक स्टेबल मार्केट शेयर कभी भी नहीं रहा हमेशा, नो, बिकॉज वी आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 25 years, 26 years, सो यू नो अप एंड डाउन हर ब्रांड के साथ में एक आते हैं। बट आज इंडियन ब्रांड्स कमिटेड हैं इंडियन कंज्यूमर के लिए, और इंडियन कंज्यूमर भी आज की डेट में वेल कमिटेड है हमारे ब्रांड्स के लिए, और आप देखेंगे कि मतलब बहुत जल्दी आपको सारे जो, देखिए फ़ोन्स आज की डेट में सभी के पास अवेलेबल हैं और सबके पास अच्छे फ़ोन्स हैं, बट आप किस तरीके से मार्केट ट्रस्ट गेन करते हैं वो उस बात पे डिपेंड करता है। जो अच्छा काम करेगा वो मार्केट शेयर लेके जाएगा ज़रूर। थैंक्स प्रदीप, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू।